तो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वक्त मेरे पास इस टाइम का सबसे हाइप स्मार्टफोन नथिंग फोन 2A। और जब से ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है तब से स्मार्टफोन में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहे हैं। एंड यही रीजन था कि भाई हमने गेमिंग रिव्यू को होल्ड पे रखा हुआ था, क्योंकि भाई BGMI में बहुत सारे लैग्स वगैरह और जिटर के प्रॉब्लम आ रहे थे इवन नॉर्मल सेटिंग्स पे भी। बट अब क्योंकि इसमें दो अपडेट्स आ चुके हैं लॉन्च होने के बाद में, जिसमें से एक कैमरा और बाकी सारी चीजों के लिए था और एक था गेमिंग डिपार्टमेंट को लेकर, तो भाई इसे फुल्ली अपडेट कर लिया गया है और अब ये लेटेस्ट वर्जन पे है। और अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ एक डिटेल गेमिंग रिव्यू, जहां पे एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच हाई ग्राफिक गेम्स को प्ले करके देखेंगे कि नथिंग फोन 2A में जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो कैसा देखने मिलता है, क्या ये सारे हाई ग्राफिक गेम्स को अच्छे से प्ले कर लेगा। साथ में मैं आप सभी को इसके बेंचमार्क्स दिखाऊंगा, हीटिंग टेस्ट भी करेंगे भाई कि वार्म होता है हीट होता है या फिर नहीं, और बैटरी ड्रेन कितनी होती है वो सब कुछ आप सभी को अच्छे से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप नथिंग फोन 2A लेने जा रहे हो या फिर ऑलरेडी ले चुके हो और जानना चाहते हो भाई अपडेट के बाद में स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना। और सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नथिंग फोन 2A के स्पेक्स को लेके। सो गाइस, ये है मेरे हाथों में नथिंग फोन 2A और भाई मैंने यहाँ पे कई सारे गेम्स को इंस्टॉल कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 5 गेम्स है जिन्हें आज प्ले करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर बात करूं स्मार्टफोन के स्पेक्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो प्रोसेसर देखने मिलता है वो मिलता है MediaTek का Dimensity 7200 प्रो वाला प्रोसेसर। एंड एक्चुअली ब्रो यहाँ पे कोई प्रो वाली बात ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्रो नाम दे दिया गया है। वैसे अगर बात करूं इसके कुछ बेंचमार्क्स की, तो मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्टिंग की हुई है, आप सभी को रिजल्ट दिखा दूं। उससे पहले आपको बता दूं जो मेरे पास स्टोरेज वेरिएंट है वो है 8+256 GB वाला। 3 डिफरेंट स्टोरेज वेरिएंट देखने मिलते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 8+256 GB वाला। तो उस स्टोरेज के साथ में जो Geekbench स्कोर है वो कुछ इस तरीके के निकल के आ जाते हैं। साथ में अगर बात करूं AnTuTu बेंचमार्क की, तो भाई 6,53,000 का स्कोर यहाँ पे निकल के आ जाता है। नॉर्मली जो 7200 वाले प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 7200 वाले, वहां पे 7 लाख प्लस के स्कोर निकल के आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रो होने के बाद भी जो स्कोर है वो 6,50,000 के आसपास का देखने मिल जाएगा। साथ में LPDDR4 रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज, तो भाई जो रिजल्ट है स्टोरेज का वो आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके आपको वहां पे देखने मिल जाएगा डिसेंट सा। इसके अलावा मैंने इसका CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था 15 मिनट के लिए, और जो रिजल्ट है वो काफी बढ़िया निकल के आया है। हल्का सा बीच में एक ड्रॉप आपको दिखाई देगा क्योंकि मैंने ब्राइटनेस काफी ज्यादा कर दिया था उस टाइम पे टेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके अलावा काफी बढ़िया एंड ग्रीन, फुल्ली ग्रीन ग्राफ यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। वेल मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको बताया 5 डिफरेंट गेम्स यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम RC 2022, एसफॉल्ट 9, फ्री फायर, COD एंड BGMI, और ये सारे के सारे हाई ग्राफिक गेम्स है। और इन सभी को एक एक करके अच्छे से टेस्ट करेंगे और देखेंगे भाई कि इनका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है। लेकिन उसी के साथ में जो टेम्परेचर है एज ऑफ नाउ वो भी आपको दिखा दूं, वो है 36 डिग्री सेल्सियस, और बीच बीच में इसे भी मॉनिटर करेंगे कि भाई टेम्परेचर कितना बढ़ता है कितना कम ज्यादा होता है। और जो बैटरी है एज ऑफ नाउ वो आप देख सकते हो 67% है, तो भाई इसे भी मॉनिटर करेंगे कि बैटरी कितना ड्रेन होता है। एक्चुअली जो गेमिंग है वो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, तो देखते हैं भाई कि बैटरी कितना ड्रॉप होता है इन सारे गेमिंग टेस्ट के दौरान में। लेकिन इसी के साथ में बढ़ते हमारे गेमिंग टेस्ट की तरफ और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गेम से, जिसका नाम है RC 2024। ऑलराइट, सो ये हमारा फर्स्ट गेम क्रिकेट गेम जिसे काफी सारे लोग खेलते हैं, तो भाई इसे सोचा क्यों ना स्टार्ट किया जाए इसी के साथ में। और सेटिंग्स आप सभी को दिखा दो कि भाई क्वालिटी की क्या सेटिंग दिखने मिल जाती है ग्राफिक वगैरह की, तो ग्राफिक यहाँ पे मैक्सिमम हाई तक चला जाता है, इसके ऊपर ये नहीं जाता जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो FPS है फ्रेम रेट है वो हाई तक चला जाता है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। अब ये बात आप मान के चले कि एक मिड बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है, 25,000 के आसपास का स्मार्टफोन है, तो परफॉर्मेंस कुछ वैसा ही आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, उसी के आसपास देखने मिलेगा। Intensity game. We have the match referee and both the captains in the center. तो भाई अभी तक ग्राफिक वगैरह काफी सही लग रहा है जैसा गेम स्टार्ट हुआ है ना, तो वो देख के ऐसा लग रहा है कि चीजें यहाँ पे काफी स्मूथ है। और हमने बैटिंग ले लिया है भाई, और देखते हैं बैटिंग करके कैसा एक्सपीरियंस होता है नथिंग फोन 2A में RC 2024 का। Openers walking in and the crowd cheering in anticipation. ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने अब तक आपको बोला भाई ग्राफिक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक दो बॉल यहाँ पे गेम को खेल के देखते हैं कि कोई लैग जिटर वगैरह फील होता है या फिर नहीं। ऑलराइट भाई, देख सकते हो काफी स्मूथ चल रहा है ये। इस पर्टिकुलर गेम के लिए जो यहाँ पे सेटिंग्स था वो हाईएस्ट जो भी अवेलेबल था उस सेटिंग्स पे हम इसे खेल रहे हैं, और आप देख सकते हो भाई जो रिजल्ट है वो काफी बढ़िया यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो भाई एक्सपीरियंस तो काफी सही लग रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2 बॉल मैंने खेले हैं, दोनों बॉल काफी यहाँ पे सही रहे हैं और बहुत ही स्मूथ चल रहा है। जो गेम प्ले है या फिर जो ग्राफिक वगैरह है वो काफी बढ़िया यहाँ पे देखने मिल रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इवन जो कलर आउटपुट जो डिस्प्ले का निकल के आ रहा है वो भी काफी बढ़िया यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। Wonderful sound of the bat.
ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप अब देख ही पा रहे हो कि भाई इस पर्टिकुलर गेम का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्मूथ निकल के आ रहा है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे से चल जा रहा है, और भाई अगर ये गेम अच्छा ना चले तो क्या ही चलेगा। बाकी इसके अलावा बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। इसका एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा, और अब बढ़ते हैं इसके अलावा सेकंड गेम की तरफ जिसका नाम है एसफॉल्ट 9। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि भाई 66% अभी बैटरी हो गया, 1% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, और जो टेम्परेचर है वो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है। तो एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल है। लेकिन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जिसका नाम है यहाँ पे एसफॉल्ट 9, और देखते हैं भाई इसकी ग्राफिक कैसे निकल के आता है, इसके ग्राफिक कैसे होते हैं, गेम प्ले कैसा होता है, लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सेटिंग्स में जाके इसके जो ग्राफिक है वो दिखा दूं भाई, गेम सेटिंग्स में जाके। तो जैसे कि आप देख सकते हो हाई क्वालिटी एंड 60 FPS में आपको यहाँ पे ये गेम सेटिंग देखने मिल जाता है नथिंग फोन 2A में। तो भाई इसी सेटिंग के साथ में यहाँ पे गेम को प्ले करते हैं और देखते हैं एक्सपीरियंस कैसे यहाँ पे होता है नथिंग फोन 2A में एसफॉल्ट 9 का। ऑल राइट भाई, इनिशियली तो भाई ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लगे हैं, एंड भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। 3D गेम के हिसाब से जो ओवरऑल यहाँ पे आउटपुट निकल के आया है इनिशियली, वो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगे हैं। एंड थोड़ा सा गेम खेल के देखते हैं भाई, ग्राफिक्स तो अच्छे निकल रहे हैं। ऑल राइट भाई, बहुत ही बढ़िया ग्राफिक निकल के आ रहे हैं, क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया है भाई, डिस्प्ले का जो आउटपुट है वो तो है ही अच्छा, लेकिन जो ग्राफिक है एसफॉल्ट 9 के वो काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं। इवन जो गेम प्ले है वो भी एज ऑफ नाउ काफ़ी स्मूथ लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई काफ़ी स्मूथ लग रहा है, काफ़ी बढ़िया तरीके से गेमिंग यहाँ पे हैंडल कर लेता है इस पर्टिकुलर नथिंग फोन 2A में एसफॉल्ट 9 का। एंड कलर्स वगैरह तो अच्छे निकल के आ रहे हैं, लेकिन जो गेमिंग है भाई वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जा रहा है एज ऑफ नाउ। अगर बात करूँ नथिंग फोन 2A में एसफॉल्ट 9 की, तो रिजल्ट तो आप देख ही पा रहे हो, बहुत ही सही लगा मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर गेम का आउटपुट। ऑल राइट भाई, तो यार अगर आप एसफॉल्ट वगैरह गेम खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है भाई। एंड मैं अकेला ही चल रहा हूँ क्या, हाई ग्राफिक पे हम खेल रहे हैं यहाँ पे 60 FPS पे, और भाई अभी तक कोई भी लैग जिटर वगैरह देखने नहीं मिला है। जो गेम प्ले है वो काफ़ी स्मूथ रहा है, एंड इवन जो इसके ग्राफिक्स वगैरह है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहे हैं। और ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट आ चुका है, एंड जैसे कि आपने देखा भाई बहुत ही बढ़िया गेम प्ले था, काफ़ी स्मूथ था। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप एसफॉल्ट खेलना चाहते हो भाई डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है, 60 FPS में एकदम बढ़िया स्मूथ परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा एसफॉल्ट 9। तो भाई सेकंड वाले गेम में भी मज़ा आ गया, और इसके बाद में आप देख सकते हो जो बैटरी वो 65% हो गया है, और जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो 40 चला गया है। तो हल्का सा वार्म पीछे लग रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई भी गर्माहट यहाँ पे फील नहीं हो रही है। लेकिन अब बढ़ते हैं फ्री फायर की तरफ। सो गाइस, ये हमारा फ्री फायर गेम, आप में से काफ़ी सारे लोगों का डिमांड होता है दोस्तों क्यों ना इसे भी ऐड किया जाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सेटिंग्स में जाकर इसके ग्राफिक्स दिखा देता हूं भाई कि क्या ग्राफिक देखने मिल जाता है। तो अभी ये स्टैंडर्ड में और इसे मैक्स पे लेके जाते हैं, एंड लेट्स सी। ऑल राइट, तो मैक्स पे चला गया है, मैक्स ग्राफिक है, और जो फ्रेम रेट वगैरह वो भी भाई बढ़िया आपको मैक्स में देखने मिल जाएगा। तो इसी के साथ में गेम को स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम सेटिंग पे, यहाँ पे सपोर्ट कर जाता है नथिंग फोन 2A में। लेकिन अब गेम खेल के देखते हैं भाई कि गेम प्ले कैसा देखने मिलता है। ऑल राइट गाइस, सो मैक्सिमम सेटिंग्स में मैंने इसे सेट किया हुआ था प्ले करने से पहले, और अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हल्के फुल्के जिटर यहाँ पे फील हो रहे हैं। जो एकदम स्मूथ वाली जो सेटिंग्स होती है 60 FPS वाली, वो यहाँ पे फील नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप इसे मीडियम सेटिंग्स पे खेलते हो तो डेफिनेटली भाई जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। लेकिन फुल सेटिंग्स पे, मैक्सिमम सेटिंग्स पे अगर आप खेलना चाहते हो इस पर्टिकुलर गेम को, तो भाई जो एक्सपीरियंस है वो हल्का सा आपको वहाँ पे लैगिंग देखने मिल जाएगा बीच बीच में। बाकी देखते हैं भाई ओवरऑल गेम प्ले कैसा होता है यहाँ पे फ्री फायर का इन नथिंग फोन 2A।
सो गाइस अभी तक मैक्सिमम सेटिंग के साथ में जो गेम प्ले है भाई वो अच्छा रहा है, हल्के फुल्के जिटर वगैरह बीच में फील होंगे, लेकिन उसके अलावा भाई जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं और जो गेम प्ले है ओवरऑल वो भी बढ़िया निकल के आ जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए देन डेफिनेटली भाई मीडियम सेटिंग्स पे आप इसे खेल सकते हो। ओके गाइस, सो भाई गेम प्ले अभी तक काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन यार क्योंकि बाकी के और दो गेम बचे हुए हैं तो उन्हें भी प्ले करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला भाई, अगर आप मैक्सिमम सेटिंग्स पे खेलना चाहते हो तो वो तो आप यहाँ पे खेल पाओगे, सपोर्ट कर जाता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो उतना स्मूथ नहीं होता। तो अगर आपको एकदम स्मूथ वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो मीडियम सेटिंग्स पे खेलिए, और भी अच्छा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने मिल जाएगा फ्री फायर का। लेकिन भाई इसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि होने वाला है COD। उससे पहले आपको बैटरी के बारे में बता दूं भाई कि अब बैटरी 62%, और अगर बात करूं टेम्परेचर की तो जो टेम्परेचर है वो है एज ऑफ नाउ 41 डिग्री सेल्सियस। तो अभी भी हीट तो नहीं हो रहा है, लेकिन हल्का सा वार्म बैक साइड में फील हो रहा है। बट इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट गेम जिसका नाम है COD। सो भाई ये हमारा COD है, और फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स में जाके आपसे ग्राफिक दिखा दूं भाई कि ग्राफिक क्या देखने मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई और हाई पे ये सेट है, और इसके अलावा मैक्स प्लस और नीचे हम देख लेते हैं भाई क्या जाता है। मैक्स प्लस मैक्स मैक्स प्लस अल्ट्रा चला, सॉरी लो प्लस अल्ट्रा तक ये चला जा रहा है, वेरी हाई प्लस वेरी हाई तक ये जाता है मैक्सिमम। और इसी के साथ में इसे प्ले करके देखते हैं भाई और इसका आउटपुट देखते हैं। ऑल राइट, काफ़ी स्मूथ तो ये लग रहा है, बट अब देखते भाई गेम प्ले कैसा रहता है। एंड भाई COD खेलने का तो अपना ही मजा है, बहुत ही स्मूथ चल जाता है ऑलमोस्ट कई सारे स्मार्टफोन में भाई, अगर प्रोसेसर वगैरह उतने अच्छे नहीं भी है तो भी भाई ये एक ऐसा गेम है जो हाई ग्राफिक के साथ में काफ़ी बढ़िया यहाँ पे चल जाता है बहुत सारे फोन में। ऑलराइट भाई, तो बहुत ही सही चला यहाँ पे ये गेम प्ले, काफ़ी स्मूथ था और काफ़ी मज़ा आया भाई खेलने में, और क्विकली काफ़ी बढ़िया गेम प्ले यहाँ पे निकल के आ गया। जहाँ पे जो सेटिंग्स के साथ आपने देखा भाई, मैक्सिमम वेरी हाई प्लस हाई के सेटिंग्स पे आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से COD खेल पाओगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन भाई अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट गेम की तरफ जिसका नाम है BGMI, एंड आई नो आप सभी इसका वेट कर रहे हो, सो उसी को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अब यहाँ पे जो बैटरी है वो है 60%, और अगर बात करूँ टेम्परेचर की तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई ये 42 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। तो भाई अभी भी काफ़ी अच्छे से मैनेज हुआ है, और इसी के साथ में बढ़ते हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट गेम की तरफ जिसका नाम है BGMI, और देखते हैं उसके बाद में जो बैटरी ड्रेन है वो कितना होता है और टेम्परेचर कितना निकल के आता है। सो गाइस ये हमारा BGMI, फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स में जाके इसके ग्राफिक्स दिखा दूँ तो भाई मैक्सिमम यहाँ पे देख लेते हैं हम HDR पे जाता है कि नहीं। तो भाई HDR प्लस अल्ट्रा पे देख लेते हैं, यस ये यहाँ पे चला जा रहा है। इसके अलावा अल्ट्रा HDR पे एक बार चेक करते हैं तो यप वो तो नहीं जाएगा मुझे एक्सपेक्टेड, लेकिन स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक ये चला जाना चाहिए। ओके तो भाई 60 FPS का सपोर्ट देखने मिल जाता है, और इसी सेटिंग्स पे इसे खेलते हैं, और क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जिटर लैग वगैरह फील यहाँ पे हो रहा था पिछले कुछ अपडेट्स के पहले, तो अब भाई यहाँ पे काफ़ी स्मूथ तो लग रहा है। लेकिन देखते हैं दो अपडेट्स के बाद में अब यहाँ पे जो गेम प्ले वो कैसा देखने मिलता है BGMI का इन नथिंग फोन 2A। तो भाई काफ़ी स्मूथ तो लग रहा है, 60 FPS वाली फीलिंग तो आ रही है, लेकिन हल्का सा बीच बीच में थोड़े से जिटर मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। बट अगेन थोड़ा सा गेम को खेल लेते हैं और अच्छे से एंड फिर देखते हैं। सो गाइस स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे गेम तो काफ़ी अच्छा चल जा रहा है, स्मूथ तो है, लेकिन बीच बीच में अभी भी भाई थोड़े बहुत जिटर थोड़े बहुत लैग्स देखने मिल जाएंगे और थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप भी होते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा गेम प्ले स्मूथ चल जा रहा है
एंड पहले से तो काफी बेटर है वो दो अपडेट के बाद में गेमिंग, स्पेशली जो सेकंड वाला अपडेट आया था गेमिंग के लिए, उसके बाद में भाई ये यहाँ पे गेम प्ले काफी इंप्रूव है, स्पेशली BGMI में जो कि अभी भाई यहाँ पे काफी बढ़िया चल रहा है पहले से। लेकिन अगेन आई बिलीव कि भाई एक दो अपडेट और आ जाएंगे तो ये और ज्यादा अच्छा हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, बट अगेन अभी के लिए बढ़िया गेम प्ले यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। ऑल राइट गाइज, जैसे कि आपने देखा भाई BGMI यहाँ पे काफी बढ़िया चला, हल्के फुल्के जिटर थे अभी भी थोड़े से भाई एक दो अपडेट की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल भाई 60 FPS पे काफी अच्छा ही परफॉर्म कर गया, स्मूथ यहाँ पे गेम प्ले हो जाता और पहले जैसे प्रॉब्लम अब नहीं यहाँ पे आ रहे हैं, अब उतना लैग वगैरह नहीं हो रहा, लेकिन भाई ओवरऑल कुछ इस तरीके का आपको परफॉर्मेंस देखने मिल जाता है। ओके गाइज, इसके अलावा फोन अब थोड़ा सा गर्म मुझे हाथों में फील हो रहा है, एक बार टेम्परेचर चेक कर लिया जाए तो भाई ये अब 43 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है, तो भाई काफी लंबा गेमिंग यहाँ पे हुआ, उसके बाद में आप देख सकते हो 43 डिग्री तक ये आ गया है, हल्का सा गर्म अब मुझे ये नथिंग फोन 2A फील हो रहा है, लेकिन अगेन भाई कोई हीटिंग इशू मुझे यहाँ पे फील नहीं हुई, कोई एक्सट्रीम हीटिंग वगैरह हो जाना वो तो मुझे अभी तक नहीं फील हुआ, क्योंकि गेमिंग हमने काफी तगड़ा किया, काफी लंबा किया, काफी ज्यादा किया, और आप देख सकते हो भाई जो बैटरी है वो अब यहाँ पे आ चुका है 57% पे, तो भाई काफी अच्छी खासी गेमिंग हुई और बैटरी भी भाई एज सच बहुत ज्यादा ड्रेन नहीं हुआ है। ऑलराइट गाइस, सो जैसे कि आपने देखा भाई सभी गेम्स को इसने काफी अच्छे से प्ले कर लिया, इवन मोस्ट ऑफ द गेम जो थे वो हाईएस्ट सेटिंग्स पे चल जा रहे थे, पहले के 3 गेम तो काफी अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर गए, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे फ्री फायर स्टार्ट किया था थोड़ा थोड़ा लैग हमें देखने मिल गया, हालांकि COD काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो BGMI था वो पहले से तो काफी अच्छा हो गया, उतना ज्यादा जिटर या फिर उतना लैग देखने नहीं मिला, लेकिन अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी भी बहुत सारे अपडेट्स की जरूरत है, 60 FPS में उतना मजा नहीं आता, उतना स्मूथ परफॉर्मेंस देखने अभी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा भाई जो बैटरी ड्रेन था वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ जैसे कि आपने देखा ही, और स्मार्टफोन बहुत ज्यादा हीट भी नहीं हुआ, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि भाई बैक साइड थोड़ा सा गर्म फील होता, थोड़ा सा वार्म हुआ था, लेकिन ये हीट नहीं हुआ, हीटिंग की कोई इशू नहीं है। बट इसके अलावा ये था नथिंग फोन 2 एक डिटेल गेमिंग रिव्यू, एंड होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, और ऑलरेडी मैंने इसका अनबॉक्सिंग एंड एक रिव्यू कर दिया है, 48 आवर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप सभी के साथ में शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो आपको चैनल पे देखने मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो भाई इसका एक डिटेल रिव्यू जाके आप चैनल पे देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा मैंने आप सभी से पूछा था कि कमेंट करके बताइए कि आप इसके और कौन से वीडियोस देखना चाहते हो, अब रिव्यू के साथ में गेमिंग रिव्यू आ चुका है और अगला जो वीडियो इसका होगा वो होगा एक डिटेल कैमरा रिव्यू, तो भाई मेक श्योर नीचे कमेंट कर देना आप इसके अलावा और कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते हो, किसके साथ में इसका कंपैरिजन देखना चाहते हो, बाकी वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ में जो भी अंडर 25,000 एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे, और अगर आप नथिंग फोन 2A का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो भाई लेफ्ट साइड में आपको वीडियो देखने मिल जाएगा, बाकी 40,000 के अंदर अगर आप एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये लेफ्ट वाला वीडियो आप सभी के लिए है, और मैं मिलता हूं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।